फ्रेंड्स, सुग्रीव गुफा के बाद किष्किंधा नगरी में ही आज एक और नए स्थान पर हम चल रहे हैं। अब हम आ गए हैं अंजनाद्री पर्वत की तरफ। अंजनाद्री पर्वत वही स्थान है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चलिए अंजनाद्री पर्वत पर चलते हैं। ऊपर पहाड़ी पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहीं पर एक बड़ा सा मंदिर है। दुर्गा माता मंदिर से सुग्रीव गुफा की तरफ जाते वक्त एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है और यही है अंजनाद्री पर्वत। मुख्य सड़क से लगकर ही इस पर्वत तक जाने का रास्ता बना हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ कई सारी दुकानें लगी हुई है और एक बड़ी सी कमान से अंदर आने पर पहाड़ी पर चढ़ने की सीढ़ियां शुरू होती है। यहाँ तलहटी से लेकर पर्वत की चोटी तक कुल 575 सीढ़ियां बनी हुई है। तो चलिए इस पावन जगह के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हनुमान जन्म को लेकर ऐसे तो कई दावे किए जाते हैं, जैसे झारखंड में गुमला स्थित अंजन पहाड़ी, नासिक में भी एक अंजन पहाड़ी है और यहाँ पर किष्किंधा में अंजनाद्री पर्वत। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता किष्किंधा स्थित अंजने पहाड़ी की ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी के आधे रास्ते तक इन सीढ़ियों पर धूप, बारिश और जंगली जानवर से बचाव के लिए छत और जालियां लगाई हुई है। हालांकि आखिर तक सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन चढ़नी तो पड़ेगी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हमें मंदिर में चल रहे नित्य रामायण के पाठ सुनाई देते हैं। चढ़ाई के रास्ते में जगह जगह यात्रियों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जहां पर यात्री कुछ समय रुककर आराम कर आगे बढ़ सकते हैं। यहां के निवासियों में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि हम्पी के 1500 मंदिरों में से 380 मंदिर केवल हनुमान मंदिर ही हैं। पृथ्वी तल पर जिन 7 मनीषियों को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है, बजरंगबली उन्हीं में से एक है। आगे चलकर ये सीढ़ियाँ और भी टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार बन जाती है। बड़ी बड़ी चट्टानों पर ही इन सीढ़ियों को बनाया गया है और इन्हीं चट्टानों के बीच से होते हुए इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए हम पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं। पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिषियों के अनुसार हनुमान जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पर हुआ था और इसी दिन पूरे देश में हनुमान जयंती का उत्सव मनाया जाता है। रामायण के अनुसार श्री राम की सहायता हेतु ही भगवान शिव ने मारुति अवतार लिया था और पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानरराज केसरी है। पहाड़ी की चोटी पर एक अति पुरातन मारुति मंदिर है। मंदिर के आसपास के परिसर को हाल ही के वर्षों में काफ़ी अच्छी तरह से विस्तारित किया गया है। इससे आने वाले यात्रियों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है। इसी मंदिर परिसर में एक संस्कृत और वैदिक पाठशाला भी है जहां पर आसपास के गांवों के बच्चे पढ़ने आते हैं। मंदिर की वास्तु सैकड़ों या हजारों वर्ष पुरातन है, जिसका समय समय पर रंग रोशन और नूतनीकरण किया गया है। मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह में हनुमान जी की लगभग 6-7 फुट ऊंची मूर्ति के दर्शन होते हैं। पास में ही राम दरबार का मंदिर है जहां पर रामायण का नित्य पाठ चलता रहता है। मंदिर में रामेश्वरम के राम सेतु से लाया हुआ 25 किलो का पत्थर पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है।
कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु का निर्माण कर श्री राम वानर सेना समेत लंका पहुंचे थे। यहीं पर माता अंजनेय का मंदिर भी है और माता अंजनेय के नाम पर ही इस पर्वत को अंजनाद्री पर्वत कहा जाता है। रोजाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और मंगलवार और शनिवार के दिन ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है। मंदिर के बाहर एक छोटा सा प्रदक्षिणा मार्ग बना हुआ है जहां से हम आसपास के पूरे प्रदेश का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। अंजनाद्री पर्वत के साथ ही अनेगुंडी और पूरे हम्पी परिसर में हजारों की संख्या में बंदर पाए जाते हैं और हर वक्त इनकी अटकलियां और मस्तियां चालू ही रहती है। पौराणिक कथानुसार अंजनाद्री पर्वत पर एक बार माता अंजनी बाल हनुमान को फल लाने हेतु अकेला छोड़ जाती है, पर जब काफ़ी देर हो गई और बाल हनुमान को भूख लगी तो व्याकुलतावश हनुमान जी ने उगते हुए सूरज को फल समझकर इसी पर्वत से छलांग लगा दी थी। अभी हमने हनुमान जन्म स्थान के दर्शन किए और अब इन्हीं पहाड़ों के ऊपर से आते हुए इस तरफ हम सनसेट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी आगे तक चलते हैं। यहाँ पर आगे एक नाग गुफा भी है, चले उस गुफा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर दर्शन अभी है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। अंजनाद्री पर्वत से आप सूर्यास्त के साथ ही सूर्योदय भी देख सकते हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में रात को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सूर्योदय देखने के लिए आपको सुबह काफी जल्दी उठकर यहाँ आना होगा। हाल ही के दिनों में प्रशासन द्वारा नाग गुफा का रास्ता और दर्शन बंद कर दिए गए हैं, इसलिए फिलहाल हम वहां नहीं जा सकते हैं। सनसेट पॉइंट से उत्तर दिशा की ओर एक रास्ता पहाड़ी की तलहटी तक जाता है। ये इस तरफ के गांवों के लोगों का मंदिर तक आने जाने का रास्ता है। हालांकि इस रास्ते का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, इसलिए बेहतर है कि हम मुख्य रास्ते से ही मंदिर तक पहुंचें। चलिए अब वापस नीचे उतरते हैं। तो फ्रेंड्स, हनुमान जन्मस्थान अंजनेय पर्वत के दर्शन का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और रामायण कालीन एक और स्थान पर जल्दी ही मिलते हैं। जय श्री राम।